हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपाली और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग शेयर करने वाली हूँ और वो है मेरा फर्स्ट टाइम पर्पल हॉल की एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप लोग। ये बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास अभी है, वो मैंने सब कुछ एक साथ ऑर्डर नहीं किया था। मैंने कुछ कुछ चीज़ें बर्थडे के टाइम पे, उससे पहले कुछ चीज़ें, तो ऐसे मैंने बाय किया है। और हमेशा आप लोगों को पता ही होगा कि पर्पल में हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है, हमेशा ऑफर्स अच्छे अच्छे चलता रहता है, 40% ऑफ, कभी 50% ऑफ, 30% ऑफ, तो बहुत सारे ऑफर्स चलता रहता है। और मैंने बहुत टाइम से आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए सोच रही थी कि मैं अपना हॉल शेयर करूँ, बट हो नहीं पा रहा था, तो आज वो टाइम आ गया है। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं आज मेरा पर्पल का हॉल। तो इसमें कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट है एक दो, और सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये हॉल वीडियो, पहली बार मेरा हॉल वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मेरा लिपस्टिक। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको सब पहले ही बता देती हूँ कि कुछ कुछ उसका जो पैकेट है जो जिसमें आया था, तो बॉक्सेस है एक्चुअली, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैं पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गुम कर दिया है। और कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसे भी आप लोग के साथ मेकअप करते टाइम भी शेयर किया है, तो कहीं पे होगा उसका कार्डबोर्ड की जो पैकेजिंग होता है वो, तो मुझे नहीं मिल रहा है, बट मैं प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वेला का वेला वोस्ते मैट लिप क्रेयॉन, ठीक है। हाँ, लिप क्रेयॉन है ये, एक के साथ मुझे एक फ्री मिला था। और ये भी एक कारण है मेरे पर्पल में जाने का, मतलब पर्पल से बाय करने का प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है। और लड़कियों को फ्री का चीज़ें क्यों नहीं अच्छा लगता बताओ? मैं तो मतलब मुझे कुछ भी फ्री मिल जाता है ना, चाहे एक रुपए का ना चीज़ हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए देखती रहती हूँ हमेशा कि क्या ऑफर चल रहा है, किसके साथ क्या फ्री है नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक के साथ एक फ्री है, तो चलो बाय क्यों ना करें, तो एक बार देखते हैं। तो मैंने ये इसलिए बाय किया था। तो ये है एक मजेंडा कलर, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो ये है एक मजेंडा पिंक कलर, बट ये बहुत जल्दी हट जाता है। मीन्स आजकल तो मास्क वैसे भी हम पहनते हैं तो ये हट जाता है, तो ज़्यादा देर स्टे नहीं करता। और ये है एक रेडिश मैरून सा सेट, ठीक है, एक प्रॉपर रेड नहीं बोल सकते, वैसे कैमरे में थोड़ा सा मैरून आ रहा है, ये रेडिश मैरून सेट है, ठीक है। ये आई थिंक 110 का या कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट के लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना, ठीक है। पहला ये प्रोडक्ट है। देन मैं ये बहुत बार आप लोगों को मैंने दिखाया है NYV का काजल, NYV का काजल है ये, लॉन्ग आइलैंड कॉल काजल है, ये ब्लैक है, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बट ये स्मज होता है। मैंने आप लोगों को बोला था, मैं अभी काफ़ी टाइम से मैं इसलिए भी शेयर नहीं कर रही थी कि कुछ चीज़ ऐसा भी था कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, जैसे NYV का प्रोडक्ट और आपका गुड वाइब्स की प्रोडक्ट, सारे ये सब प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब जगह में नहीं मिलता है, पर्पल पे ही मिलेगा आप लोगों को, राइट। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को शायद शेयर नहीं करी थी कि मैं खुद कुछ दिन यूज़ करूँ, तो तब जाके आप लोगों को मैं बताऊँगी, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है। तो ये जो है ना काजल, ये बहुत पिगमेंटेड है, एक उसमें ही लग जाता है, बट मुझे, मैं थोड़ा सा
डिसअपॉइंटेड हूँ कि इस मच होता है गाइस। तो ये ब्लू है, ब्लू वाला कलर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है ये ब्लू कलर, ठीक है। ये शायद मुझे 86 रुपीस का पड़ा था, 86 रुपीस का है ये, लेकिन मुझे लगता है 86 रुपीस में क्या मिलेगा, है ना। तो ठीक है, मतलब अभी गर्मी के टाइम है तो ज़्यादा लगता है हमें, तो विंटर में ये चल जाएगा। अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये है, और मैंने लिया था ये हाइलाइटर, ये है मेबलिन का मस्टर्ड क्रोम हाइलाइटर। ये मैंने बर्थडे के टाइम पे बाय किया था, बहुत कुछ बाय किया था मैंने, तो ये मेरे पास नहीं था, ये मुझे बहुत टाइम से मुझे मन था कि मैं लूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा हाइलाइटर है ना, देखो कितना अच्छा हाइलाइटर, ना ग्लो आ रहा है। तो डेमो भी हो रहा है आप लोगों को, अगर अब जो जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ उसका अगर आप लोगों को डेमो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोग मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ओके। तो ये देन मैं ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा मैंने बाय किया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैंने मेबलिन का बाय किया था, इस वजह से मुझे ये छोटा सा मस्कारा फ्री मिला है, तो ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है इसका कि इसका जो ये एप्लीकेटर है ना, ये देखो कितना छोटा सा है, कितना स्मॉल है, तो ये बहुत ईजिली लग जाता है, मेरा हाथ भी छोटा है, सो मुझे तो बहुत ईजी लगता है, और बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देता है ये मस्कारा। तो ये हो गया, देन ये बहुत देखा होगा आपने, ये सूज ब्यूटी का मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर है, ब्राइटनिंग स्किन मॉडिफाइड पोर्स मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग। तो ये बहुत ही इल्यूमिनेटिंग काम भी करता है, देन ये प्राइमर का भी काम करता है, ये बहुत अच्छा ग्लो देता है गाइस। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें ये इससे इसको अगर पहले आप अप्लाई करते हो ना, ये बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है आपके मेकअप में, ठीक है। तो ये हो गया, देन मैंने कर्ली मुझे पैसे रिसीव हुआ है, ये मैंने लोटस का एक्सप्रेस ग्लो 10-in-1 डेली क्रीम एक्सपीरियर 25 है, ये ऑल स्किन टाइप है, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसका भी रिव्यू आप लोगों को मैं ज़रूर दूंगी। मैं बहुत सालों से पॉन्स की बेबी क्रीम यूज़ कर रही थी, तो मुझे वो नहीं मिल रहा था, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, तो इस वजह से मैंने ये मंगवा लिया, बिकॉज मैं देखना चाह रही थी कि ये कैसा है क्रीम, तो मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देन मैं दिखाऊँगी आपको, ये NYB का काजल है, The Big Apple of My Eye Call, ये 1999 का है, 100 रुपीज़ का है मान लो, लेकिन इतना अच्छा काजल है ना गाइस, मैंने अभी ये यूज़ किया है, ये स्मच नहीं होता इसका, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा काजल है। मुझे ये 91 रुपीज़ का पड़ा है शायद, क्योंकि इसके साथ ये ना कॉम्बो में था, इसके साथ मैंने लिया था एक NYB का ब्लू लाइनर एंड एक NYB का था आपका कॉन्टोर, ठीक है। तो ये लिया, मैं आपको दिखाऊंगी, पाउच में था,
ऐसे पाउच में था ये। एक्चुअली मैं इस पाउच के चक्कर में मैंने इसको बाय किया है। मेरे पास काजल ऑलरेडी है, क्लोटस का भी है, तो मैंने बाय कर लिया था। और ये काफ़ी बड़ा है पाउच और इसमें बहुत स्पेस भी है। तो ये है काजल, मैंने दिखा दिया। और ये ब्लैक लाइनर था, सॉरी ये ब्लैक लाइनर था, इसका पैकेज मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो ये है, इसका भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। लेकिन गाइस ये शायद 120 का बड़ा था एक, ये देखो ये बिल्कुल भी नहीं हटता है, बिल्कुल भी नहीं हटता है। जब तक आप ऐसे रगड़ के नहीं वॉश करते हो ना, तब तक ये नहीं हटता। ये इसका एप्लीकेटर भी ठीक ठाक है, मुझे इससे ज़्यादा तो मेबलिन का एप्लीकेटर अच्छा लगता है, बट ये ठीक है। मतलब प्राइस के हिसाब से आप बहुत अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है मुझे लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका ब्लू भी है मेरे पास, ऐसे पैकेजिंग में आया था ये। NYB के सारे प्रोडक्ट के ना मतलब बहुत अच्छे पैकेजिंग भी होता है, अफोर्डेबल होता है, बहुत अच्छा है ये ब्लू वाला, ठीक है ये ब्लू वाला। तो ये हो गया, एंड ये है कॉन्टोर स्टिक। इसका टॉफी, इसका नंबर तो नहीं दिया, टॉफी NYB FS6 है ये। ये कॉन्टोर स्टिक ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसका मैं नहीं बोल पाऊँगी इसका, बट मैं ये शो नहीं हो रहा है, ये बहुत लाइट सा कलर है। तो ये मैंने वाई किया था। ये तीनों चीज़ें ना, ये एक लाइनर, एक काजल, ये जो ये काजल इसके साथ कॉम्बो था, 3 कुछ का था ये, ठीक है। इसके साथ ये पाउच भी मुझे गिफ्ट में मिला है, फ्री मिला है, फ्री। तो इसके साथ ये हो गया। और मैंने ये मेबलिन का फिटमी का 220 फाउंडेशन 220 ये मैंने लिया है। और एक लिया था मैंने NYB का लिक्विड लिपस्टिक, ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है गाइस, ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है। ये जब आप यूज़ करोगे ना, ये बटरी सॉफ्ट है, बटरी सॉफ्ट है ये सूख जाएगा तो अच्छा। मैंने इतना डार्क कलर कभी यूज़ नहीं किया है, मतलब ऐसे रेड पिंक में ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा कुछ चेंज करना चाहिए। तो ये मैंने ऑर्डर किया था, मुझे मैंने जब लगाया ना, मैं तो फिदा हो गई इसकी, मतलब इतना कम, 170 का या 160 का मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन बहुत अच्छा लिपस्टिक है ये, बहुत अच्छा। और ये स्टे भी करता है। इसके बाद मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये तो बहुत ही क्यूट सा कंसीलर है, ये मैंने पहले भी यूज़ किया है। ये है स्टिक वर्की का मिनी कंसीलर स्टिक, ये छोटू सा, ये भी बहुत पिगमेंटेड है, अच्छा है ये, ठीक है। और मैंने स्टिक वर्की का ब्लश अप्लाई, सॉरी ब्लश ऑर्डर किया था। तो ये मैंने बहुत, ये एज ए ब्लश तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ गाइस, ये मैं ब्राउनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये ब्राउन शेड है तो बहुत पिगमेंटेड है, तो यूज़ करती हूँ। देन ये फेसेस कनाडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे है, ठीक है। ये भी मैंने मेकअप करते टाइम यूज़ किया था। तो और स्किन केयर में मैं ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, बहुत अच्छा टोनर है गाइस, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। इस तुरंत आपके एक नेचुरल सा ग्लो इफेक्ट देता है आपके फेस पे।
और ये मैंने 37 रुपीस का है ये नेल पेन NYB का, और ये है फेसेस कनाडा का। फेसेस कनाडा के नेल पेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, स्टे भी करता है 2-3 दिन। अगर आप ज़्यादा काम पानी का नहीं करते हो तो इससे ज़्यादा भी स्टे कर जाएगा आपके नेल्स पे ये नेल पेन। ये मुझे फ्री मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा है किसके उसमें, शायद मैंने ये फेसेस कनाडा का जो मेकअप सेटिंग्स पे लिया था ना उसके साथ मुझे ये फ्री मिला था, ठीक है, सॉरी गिफ्ट मिला था। तो देन मैंने शायद ये हाँ, और एक है गुड वाइब्स का ये स्ट्रॉबेरी स्क्रब है, ये बहुत अच्छा स्क्रब है गाइस, मैंने यूज़ किया है। ये भी मुझे किसी चीज़ का शायद स्टेट वर्क का ये जो लिया था याद नहीं आ रहा है मुझे कि ये भी मुझे गिफ्ट एज ए गिफ्ट ही मिला था। इसकी मैं खोल कर दिखा देती हूँ, मैंने एक दो बार यूज़ भी किया है, बहुत अच्छा है ये स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस। हाँ तो ये भी मुझे मिला था, और ये सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर 500 ml का 500 ml का मुझे ये भी गिफ्ट मिला है, एज ए गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो बहुत कुछ मुझे गिफ्ट मिलता है तो मैं देखती रहती हूँ, इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है कि इतना कुछ मिलता है। तो ये सब मैंने लिया है, थोड़ा वीडियो बड़ा लंबा हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये मेरा हॉल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बाय।